हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम PMS और CSS पंजाबी सीरीज का एक और नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मुनीर नाजी साहब। अच्छा, गवाही बुक जो है उसके अंदर मुनीर नाजी साहब के एक बुक नहीं, जो PMS के अंदर सिलेबस है उसके अंदर उन्होंने पूछा चार चुप चीना। मुनीर साहब की बुक है चार चुप चीना, उसके बारे में लिखने के लिए आएगा PMS में। CSS में इस तरह नहीं है। CSS में जनरल मुनीर नाजी साहब ने जो जो किताबें लिखी ये जो जो नज़में लिखी उसके ऊपर उसने पूछा होगा उससे। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि चार चुप चीज़ा के ज़्यादा शेर याद करेंगे और बाकी जो दूसरी पोइम्स हैं उनके शेर कम याद करेंगे, ताकि हमारे CSS की भी तैयारी हो जाए और PMS की भी तैयारी हो। ठीक है, तो वो एक तीर से दो शिकार, क्योंकि आपको पता है CSS PMS नाम ही डायरेक्शनल स्टडी का। तो अगर बेहतर डायरेक्शनल स्टडी यही है कि एक, अगर आप ये तो नहीं ना करेंगे आठ शेर आप अलग से तैयार करेंगे इसी के मुनीर नाजी साहब के, और आठ शीट PMS के लिए अलग से तैयार करें। तो इस तरह से हमने तैयार करना है कि अगर आप ये सब्जेक्ट CSS में भी ऑप्ट करें तो आपका वो भी कवर हो जाए, और PMS में ऑप्ट करें तो वो भी कवर हो जाए। तो वही पैटर्न होगा हमारे पढ़ने का। सबसे पहले ये कि हम लोग पहले तारुफ तीन चार लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद जो आठ शेर हमने पेपर में लिख रहे हैं हम डायरेक्टली उनके ऊपर जाएंगे, उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऊपर पढ़ेंगे और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा और हमारा लेक्चर खत्म होगा। सारा सारा नहीं करेंगे, सारा सारा करना वक्त का ज़िया होगा और मेरे ख्याल से कि एक बेवकूफ़ी होगा। अच्छा जी, तारुफ में क्या है पाकिस्तान तो बाद जदीद पंजाबी शायरी में मुनीर नियाजी का नाम सब तो नुमाया है, ये वाली बात आप लिख सकते हैं तारुफ के अंदर। मुनीर नियाजी की शायरी मौजूद सलूक वालना था मसर शायरा तो बिल्कुल बकरी है। अच्छा, अब ये वाली जो तारीफ है ना, ये आपको हर शायर के तारुफ, हर शेर जो है ना शायर उसके तारुफ में मिलेगी कि उनका अंदाज सबसे मुख्तलिफ है, उनका सलूक सबसे मुख्तलिफ है। ये कह ले ये एक बंदे की तारीफ ही होती है जो आप कर रहे होते हैं। सो हर अभी आप पिछली भी सारी जो है ना, इसी के पिछला वाला जो शायर था उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये बात लाजमी लिखी हुई नजर आ जाएगी कि इनका जो उसलूब है ना वो सारे शायरों से ना बिल्कुल अलग है। तो ये तारीफ ही है, ये आप कह ले एक लाइन याद कर ले, ये हर बंदे के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हिस्ट्री वाली बात है ना, क्याम पाकिस्तान तो बाद, अब कुछ शायर है जो कि क्याम पाकिस्तान से पहले के शायर है। ठीक है, जैसे कि अहमद राय साहब है जिनकी 27 साल की उम्र में पाकिस्तान जो है वो बन गया बना था, जब वो 27 साल के थे। तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी 27 साल की उम्र ये इसी के अराउंड अबाउट पाकिस्तान बन गया। लेकिन ये जो है ये इनकी मकबूलियत क्या मैं पाकिस्तान के बाद की, तो इनकी शायरी के टॉपिक्स भी कुछ डिफरेंट होंगे। उनके अहमद राय साहब के शायरी के टॉपिक भी उसी क्या मैं पाकिस्तान को काफ़ी वो देखते थे, तो इनके भी शायरी के टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होंगे। ठीक है, इनके ज़्यादा खुशहाली की तरफ मुझे लगता है। अच्छा जी, ओना पंजाबी जदीद, ओना जदीद पंजाबी नज़मों नित नवियां अलामता नाल सजा सवार के, ना सिर्फ नवे तर्ज की शायरी की बुनियाद रखी है सगों पंजाबी नज़म में जदीद रुझानात बयान करन दा भी मुढ़ बनया है। मुढ़ बनया है मतलब फाउंडर, मुढ़ बनने है फाउंडर होना। तो ये जी हमने तारुफ पढ़ लिया, उसके बाद आप बेचारे सारे को छोड़ दें, उनकी जो तालीम उन्होंने कहाँ से ली ये सारी, क्या उन्होंने शायरी इसको भी छोड़ दें, फिर जी कुल कलाम दा बेरा करो इसको भी छोड़ दें, क्योंकि हमने कुल कलाम तो नहीं, मुनीर नियाजी दा अलामती निज़ाम ये आपको लाजमी बताना चाहिए, क्योंकि हमने इन्होंने ना इलामती निज़ाम एक नए किस्म का इस्तेमाल किया। ठीक है, और ये आपकी हेडिंग भी होगी पेपर के अंदर। इसको थोड़ा सा देख लेते, काफ़ी लंबा है, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के मैं आपको बताते रहता हूँ क्या है। बाकी रीडिंग मटेरियल तो आपके पास ये ऑब्वियसली मैं नीचे अटैच कर देता हूँ, तो इसको खुद भी पढ़िएगा। अच्छा जी, इसको छोड़ देते हैं। अब ये सारी ना हिस्ट्री लिखी हुई है कि इलामत निगारी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारा ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो इलामती निज़ाम शुरू हुए, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह की पोएम के अंदर भी आप एक शोहर और बीवी वाला जो है ना, और हीर राजा भी अगर आप एक तरह से देखें तो वो भी इलामती निज़ाम है। तो ये सारा इलामती निज़ाम का ना मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको खैर छोड़ दें, फिलहाल छोड़ नहीं दें मतलब इसका भी एक अलग से मैं बनाऊंगा, तो वो उसको आप वहां पर देख लेगा, और मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके नीचे वो लिंक जल्द अटैच कर दूंगा। फिर जी मुनीर नियाजी ने बनाई इलामती निज़ाम, ये मेन अब शुरू हो रही है जिसमें मुनीर नियाजी के इलामती निज़ाम, पहले तो उसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी, और आपने इतना लंबा लिखना भी नहीं। आपने जब मुनीर नियाजी का इलामती निज़ाम लिखना है ये सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप हेडिंग के अंदर लिखेंगे तो आप मुनीर नियाजी को डायरेक्ट हिट करेंगे, कभी भी आए बाएं शाएं नहीं करें। ठीक है, ये कह लें कि ये एक बुक जो होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए होती है, तो आपने अपना मटेरियल इसमें से उठाना। मुनीर नियाजी ने बनाया इलामती निज़ाम का मुहरक
ओना दा जबाने दे नाम नसीब ला सकते मोरिक, मतलब वो जिस सर्कल की गिर्द चीजें घूमती ना, वो ये है कि उनका अलामती निज़ाम इन चीज़ों के गिर्द घूमता था, उन्होंने उनके ज़माने के नाम मुनासिब हालात के गिर्द घूमता था। शायर आमतौर पर ज़्यादा हसास से गहरा मुशाहदा कार होता है ये छोड़ने बाद। मुनीर नियाज़ी ने अपनी नौजवानी में हिंदुस्तान की तकसीम पर मुसलमानों के अंग्रेज हिंदुओं सिखा वालों होने वाले मुजालिम देखे सर। चले जी, इन्होंने भी ये देखे थे आज़ादी मगरों हिजरत के दौरान होने वाले फसादात भी उन्होंने रूह जख्मी की थी, इन्होंने देखे हैं। लेकिन इनकी मकबूलियत की फिर भी वजह कह लें क्या पाकिस्तान के बाद वाली जो इन्होंने शायरी लिखी ना वो ऐस तो हेड। मनीर नियाजी ने जो कुछ अपने आल दुआले का वेरा वेख्या सब नु बिला तासुब ते पूरी ईमानदारी नाल बयान करन दा इलामती ढंग अख्तियार किया। इलामती ढंग इलामती तरीका वो वही तरीका इलामती तरीका भी हम वैसे शेर पढ़ेंगे तब भी आपको समझ आएगी। मनीर नियाजी की शायरी पढ़दिया कुछ खौफनाक मनाजिर डरावने किरदार ते खूनी दरिंदियां दा जिक्र मिलता है जिन्हां हथों समाजी ते अखलाकी कदरां दा इस्तेहसाल हो रहा है। देखिए कितनी आसान पंजाबी लिखी हुई ते जमहूरी ढांचा दिन ब दिन खोखला होके डिगन वाला हो गया, डिगन वाला गिरने वाला। इखलाकी ते समाजी कदरां ते जवाल दा नाल माशरे विच झूठ फरेब खुदगर्जी ये सारी चीजें जो है वो भरी हुई है इंसानों के अंदर। और मुनीर दे समय ऐ सब कुछ हो रहा है, समय मतलब सामने ऐ सब कुछ हो रहा सी उन्होंने इन्हें सब कुछ शेर बघेले शुगर। अच्छा ये सारे जो माफियाज है ना उनको उन्होंने इस तरह भूत चलेडे डैना चिड़िया ये सारी इनके थ्रू ना मतलब जितनी बुराई है वो कह लो जहां भी नाम आएगा ना कुका मार दे पहरादार या जीन भूत चलेटे ये सारे असल में माशरे की बुराइयां हैं, माशरे के गुंडे हैं और कह लें कि माशरे के नासूर हैं, उनको एक्सप्लेन किया इन वर्ड्स के थ्रू। फिर जी मुनीर नियाज़ी दी नज़मों में कुछ मुश्किल खौफनाक मूर्तां ते मनाज़िर भी नजर आंदियां हैं जैसे कि लाल फुवार दियाँ छिट्टा मार दी। हाँ ये भी आप अगला शेर ही पढ़ेंगे ना डैना दिया चीका, तो ये सारी भी जो है ये इस डरावनी शक्लियाँ पुराने महल वगैरह ये आगे बताया उसने इस्तेहसाल ज्यादा नाकाबले इस्लाम माशरती ढांचे दिया अलामत है। वो जगह जो कि जिसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि जिसको कह लें बस एक दफा गिरा कर दोबारा नया ही बनाएंगे ना तो ही हो सकता है कुछ, वैसे तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं ना जिस घर पे साया आ जाए एक दफा वो जाता नहीं तो उसी उसी इसी तरह डैना और ची ये जो भूत प्रेत का इन्होंने ना बड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ। तो जी मुनीर नियाज़ी दी ऐलान था पूरे पंजाब की तो वक्री शनाख्त रखती है कारी मतलब पढ़ने वाला इना ऐलान था तो दर्दी नजरे शायद ए मतलब करदा है होवे भाई मुनीर ने दी डर खौफ से बहम विच मुब्तला है पर ए एका गलत है पर ये एका मतलब ये नजरिया गलत है। मुनीर नियाज़ी ने इना डर दी अलामता नू कारी नू टक्कर लैन दी हिम्मत दिती है ते इना को जानू खूबसूरती विच। अच्छा ये वो असल में यही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो भी मैंने बात पर एक्सप्लेन की कि ये जो उसने बात बताई है कि इन्होंने असल में कि अलामती निजाम है ना कि अगर कोई डैन का जिक्र हुआ है या कोई भूत का जिक्र हुआ है तो वो असल में वो उस भूत की बात ही कर रहे हैं तो ये तो भूतिया शायरी हो जाएगी। और कह लें कि आगे चलते हैं एक शेर पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा ये आगे उनकी शेर है ये चार चुप चीज़ों का शेर है ये लाजमी हम करेंगे ठीक है तो ये पीछे वाले को छोड़ दो इस एक शेर से पीछे वाला सारा एक्सप्लेन हो जाएगा ठीक है। अब इसके अंदर ना आप कह लें कि आपका हौसला आपकी जद्दोजहद आपकी डिटर्मिनेशन ये सारी इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। कहता है कदे ना रुके कंडे कटे जख्म कदी ना सीता में कदे ना पीछे मुड़ के तकिया पूछ जो भी कीता में। अब इसके अंदर आप पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं ठीक है और आप एक इंसान की कोशिश को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका हमेशा सबर का फल कदे ना रखे कंडे कटे जख्म कदी ना सीता में। और ये वो है कि उसकी डिटर्मिनेशन इतनी ज्यादा है कि उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा ठीक है वो अपनी बात कर रहा है या एक इंसान की बात कर रहा है जख्म कदी ना सीता में और तकलीफ सहने की उसको इतनी आदत हो गई है कि उसको वो जख्म की तकलीफ महसूस ही नहीं होती। अब कभी ना पीछे मुड़ के तकिया पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, पीछे मुड़ के देखने से मुराद है कि डरा नहीं मैं कभी ठीक है और मैं हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहा। कभी भी पीछे मुड़ के कब देखता है इंसान कि जब किसी हालात से वो डर जाता है और वो सोचने लग जाता है कि वापिस चल तब वो पीछे मुड़ के देखता है कि पीछे का भी रास्ता है कि नहीं। पूछ दो भी किताबी जब भी उसने पूछ किया उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी
जीतने का हमेशा उसमें आगे ही जाते। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते, ये हमारा एक कह लें एक फिल्म होगी मुनीर नजदा लामती नाम, जिसके अंदर उसने सारा एक इंसान की स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन और उसके फिर फायदे सारे बताए। इबायत दा शायर, अच्छा जी इबायत दा शायर के अंदर भी तशबीह, इस्तआरा, अलामत वगैरह, वही बात दोबारा से उसने सारी की सारी वही बात एक्सप्लेन की है कि तशबीह, इस्तआरा। इस्तआरा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस्तआरा क्या होता है, वो यही शायद मैंने एग्जाम्पल दी थी कि मेरा पुत्र शेर है, अगर ये भी छोड़ा, मेरा पुत्र शेर होगा बहादुर है, ये भी अगर आप नहीं लाए थे कहते, अगर आप कहते हैं मेरा बेटा शेर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे की चार टांगे और एक पूंछल है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर शेर जैसी ताकत है, शेर जैसा बहादुर है, मजबूत है। सो इस तरह के सितारे, और जैसे ये है जी, ये मेरा शेर आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आप फूल पर दांतों वाला बच्चा वो है, वो शेर है, तो वो इस शेर का मतलब होता है मेरा बहादुर लड़का आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह के सितारे जो है ना, वो काफी इन्होंने इस्तेमाल किए। अच्छा, ये इतनी इन्होंने काफी लंबी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये सारी एक्सप्लेनेशन कह लें पढ़ लें अपनी उसके लिए, तो इसके अंदर फिर ना उन्होंने वही जो हिस्ट्री है, ये जो हिस्ट्री अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, वही हिस्ट्री उन्होंने दोबारा से एक्सप्लेन की है जी, कहाँ से चलना शुरू हुआ निज़ाम, फिर यहाँ पर कैसे पहुंचा। तो अब देखो ये सारी उन्होंने बताई हुई हिस्ट्री, इसके ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, और मैं इसी वीडियो के साथ ही ना मैं लिंक जो है वो लगा दूंगा, ताकि आपको ना ये पता चल जाए कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अपलोड करने के साथ ही वो वीडियो अपलोड कर दूँ। अच्छा जी, मुनीर रियाजी ने सलूक तो मुदासर होकर असल विच अपने आलत वाले के बदतरीन हालात में वो नक्शा पेश किया है, जिन्होंने वेख के अखा भी बंद नहीं कीतिया जा सकती, बयान करना भी मुमकिन है। क्या बात करती है उसने, ये लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा है कि उससे आंखें भी नहीं बंद की जा सकती और उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। ये हमने मेरे ख्याल से पहले भी इसके बारे में एक शेर पढ़ा था, तक्का तक ना सका बारी विच बैठा तक, ठीक है। वो क्या था, चिड़े आन जक्कड़ चलन सब पे खुलन, तक्का तक ना सका बारी विच, कुछ इस तरह का शेर था, तक्का तक ना सका बारी विच बैठा तक्का। तो ये वही मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की थी ये पूरी बात ना, कि जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि आप ना तो कुछ कर सकते हैं और आपको कह ले वो देखना ही पड़ता है, और आप उसको रोक भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, ये एक शेर पढ़ लेते हैं, है तो खैर ये सफर की रात, लेकिन फिर भी समझने के लिए, गर्दियां मुझे लामती निजाम आपको समझा रहे, गर्दियां कंधा उतर दिसन छिटा लाल फुवार दिया, अधी राती बूहे खड़खड़ डैना चीका मार दिया। अब जी ये अगर याद करना तो कर ले, आया मजे का शेर है, गर्दियां कंधा उतर दिसन छिटा लाल, दिसन मतलब नजर आए, चिट्टा लाल फुआर दी मतलब लाल फुआर के मतलब घर की दीवारों पर खून के छींटे नजर आ रहे हैं। अब वो जो साय वाला माहौल होता है एक जगह, जहाँ पर इस तरह के साय वगैरह होते हैं, आधी रात बुहे खड़कने, आधी रात को बुहे खड़कते हैं, टहना चीखा मारती। अब देखें ये इसका मतलब ये नहीं कि असल में ही वो यही कहना चाह रहे हैं कि जी आधी रात को वो दरवाजे खड़कते हैं और बाकी कुछ साय ज्यादा घर में वो बैठ के शायरी लिख रहे हैं। इस ये एक पूरा अलामती निज़ाम है, ठीक है। ये असेब ज्यादा माहौल के अंदर जो दरिद्र सिर्फ इंसान रहते हैं ना, उनकी अखलाकी कदरें और उनकी जो पामाली और जो गोर जो ये सारी चीजें, उसको उन्होंने एक्सप्लेन की, ठीक है, ना कि उनका ये इस जिन वाली बात को एक्सप्लेन करने का मकसद। तो अगर आप सिर्फ इतना भी एक्सप्लेन कर देना इस हेडिंग के अंदर कि इसका मकसद, शायर का मकसद ये नहीं होता कि वो कोई असेबजदा इलाकों के अंदर बैठ के या वो लिख रहा है या उससे उससे डरता है, असल मकसद है उस वक्त के माहौल के अंदर जो जो लोग हैं, जो बुराई के कह ले नासूर है, उनके खिलाफ उन्होंने ये शायरी लिखी है और उस माहौल को उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर जी आगे आ जाए, ये चार चुप चीजों का शेर आ गया, ये हम देख रहे थे हमने पढ़ना है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, इसलिए हमने पढ़ना, ये हमारा हो जाएगा दूसरा शेर, ये कह ले इसको एज अ मैंने कंसिडर नहीं किया, अगर आपने करना है तो कर। मुनीर ने इमायत राही जड़े इशारे दिते ने, ओदे कई मतलब कटे जा सकते हैं, वो कह रहे हैं एक ही बात कई मतलब निकाले जा सकते हैं, मतलब सब दी सिफतां विच सब तो मुराद मुफाद परस्त, मादा परस्त, लालची ते लालची लोग, ठीक है। अब मैक हो गए तो उत्थे सब, सर हो गए तो उत्थे सब, धरती हेठ हनेरिया अंदर, जर हो गए ते उत्थे सब। वो कहते हैं अब इससे यही मुराद है, वैसे और मतलब मुझे नहीं समझ आती इससे और मतलब क्या निकलता है, मैक हो गए तो उठे सब, अब इसका मतलब यही ना, सब से मुराद असल में सांप ही है, लेकिन ये वो सांप है जो आपको कह लो, ये आप कई मीम्स के अंदर भी नजर आएगा कि यूनिवर्सिटी में सांप एग्जिस्ट करते हैं, अब ये वही वाले सांप है जो आपको
कह लो कि आप जिनको पाल तो रहे होते अपने साथ, लेकिन वो असल में आपके दोस्त नहीं होते और आपको एंड टाइम पे जाके डसते हैं। तो ये वही बात है कि जहाँ खुशबू हो वहाँ भी आपको इस तरह के खुशामद दोस्त मिलेंगे, लालची दोस्त आपको मिल जाएंगे। खुशबू हो मतलब जबकि आप खुशबू के अंदर हो मतलब कि जब आपके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें हो, बरकतें नाजिल हो रही हो, आपके पास पैसे की फरावानी हो, सब कुछ हो, तो आपको बड़े खुशामद दोस्त और लालची दोस्त मिलेंगे। सुर हो गए तो उतने सब सुर भी मतलब ये भी वही कह लो, सुर हो गए से मतलब है जो गाने के दौरान जब आप सुरूर आपको आता है ना, तो वो ये वो वाला सुर है। ठीक है, कहते हैं जब उस जब आप उस सुरूर के अंदर हो तब भी आपको उस तरह के दोस्त मिलेंगे। मतलब कि आप बुराई के वक्त भी सुरूर तभी आता है जब आप कोई लज्जत का काम कर रहे हो, तो कोई लज्जत के दौरान भी आपको आपके दोस्त मिल जाएंगे। धरती हेठ अंधेरे अंदर वो कहता है जर हो गए तो उठे सब, तो वो कहता है जर हो गए, जर का मतलब है दौलत, दौलत हो तो उधर भी आपको सांप मिलेंगे। अच्छा जी आगे चलते हैं, अगर किसी के यहाँ कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। सिंबलिज्म की तहरीक, अब ये वाली हेडिंग के अंदर हम ये वाला शेर भी पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी इमायत, इसको समझ लेते क्या है ये सिंबलिज्म की तहरीक। ये कह लो इनकी सारा ज्यादातर हेडिंग में ना इनके अलामती निजाम को ही एक्सप्लेन किया गया। इमारत ने जिंदगी अल्फाज सिंबल जो इस्तेमाल होते हैं, सिंबलिज्म की तहरीक भी यूरोप में आई है तो जदीद नज़म उत्ते एदा बहुत असर है। अच्छा सिंबलिज्म कह लो कि वही बात जो उन्होंने अभी थोड़ी देर बाद पहले एक्सप्लेन की थी, इमायत इस्तारा तशबीह देना भी क्या है, सिंबलिज्म की इस्तारा इलामत की सारी क्या है, इसके अंदर क्या सिंबलिज्म एक्सप्लेन नहीं हुई। वो कह रहे एक ही हेडिंग की तीन चीज, क्योंकि इनकी ज्यादातर शायरी इसी के ऊपर है कि जिसके अंदर इन्होंने चीजों का ऐसा इस्तारा यूज किया हुआ। अब देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा था कि पंजाबी दास्ताना के किरदार भी रांझे मिर्जा, ये भी एक अलामती निज़ाम ही है। असल में कई लोग कहते हैं कि ये कहानी एग्जिस्ट नहीं करती, असल में हुआ नहीं था, ये सिर्फ उन्होंने एक अलामती निज़ाम इस्तेमाल किया जिसके अंदर इंसान की कई लोग तो कहते हैं कि ये बिल्कुल सिर्फ लुभाने के लिए या थोड़ा वक्त गुजारने के लिए उन्होंने शायरी लिख दी, लोग भी इसको दे पढ़ेंगे। वैसे ही मुझे होती है इश्क मजाजी के, वो कहते हैं ठीक है ये इश्क मजाजी के ऊपर शायरी लिखी है लेकिन ऐसा कुछ असल में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ असल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उन्होंने इश्क मजाजी नहीं असल में इसे इसे इश्क हकीकी बयान किया है। इश्क हकीकी क्या होता है, अल्लाह ताला के इश्क, और इश्क मजाजी होता है महबूब के लिए, तो इश्क हकीकी इसके अंदर बयान किया। सो अलामती निज़ाम इसके अंदर भी मिलेगा। अब जैसे देखें जी इसके अंदर जैसे असरी शऊर की नुमाइंदा नज़म लंघदे वेले की झलक विच अलामती निजाम नाल हालात दे उल्ट हो जाण दा वेरा कीता गया। अच्छा जी दीवे बलन मजारों पर जंगला विच मशाला, कहता है जी मजारों के ऊपर दिए जल रहे, जंगलों के अंदर मशाले जल रहे। मशाल क्या होती है, वो एक लकड़ी का वो एक पीस होता है और उसके ऊपर कपड़ा लगा के उसको तेल लगा के चलाते, वो मशाल होती है। दिन भर बाद सवाला अंदर रातों विच जवाला, कहता है लोग सारा दिन क्या कहते हैं सवालों के अंदर अपने दिन बर्बाद कर देते और रात के जो है वो उनकी क्या है जवालों में गुजर रही। ठीक है, शहर दे चौक खबीसा मल्ले तैयब तैयब विच मलाना, और वो कहता है जी पाक साफ लोग जो है वो फिक्रमंद हुए हुए और शहर के जो चौक है वो खबीसों ने मले हुए। ठीक है, अब दीवे बिलन नजारा ऊपर, इसका मतलब ये है कि कब्रों को रोशनी की क्या जरूरत है। ठीक है, अब एक इंसान जिसके पास कह लें को गरीब, ज्यादातर आप देखेंगे इन मजारों वगैरह पे गरीब लोग ही होते हैं, वो लोग जिसके पास खाने के पैसे नहीं होते वो उन कब्रों को रोशनी देने के लिए वो जाके जी वहां पर मजारों पर रोशनी चला रहे थे। जंगला बिच मशाला, जंगलों के अंदर जाके जी मशाल जलाई होती है, उसमें ये जंगली जानवरों को भी क्या रोशनी की जरूरत है। ठीक है, तो उसने ये असल में एक कह लो माशरे की बुराई एक्सप्लेन की हुई है इस सारे के अंदर। बेमौनित दी तहरीक, अच्छा बेमौनित जो है ना ये होती है एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म इसको इंग्लिश में ना जब अगर आप कभी सर्च करो तो एब्सर्डिज्म, एब्सर्डिज्म कह लो कि एक ऐसी तहरीक है। ये आवाज बंद करेगा, आवाज बंद करेगा भाई जी। एब्सर्डिज्म एक ऐसी तहरीक है कि जिसके अंदर क्या होता है कि आपको ना दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं रहती। ठीक है, और आपको दुनिया के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, आप सिर्फ अपना वक्त गुजार रहे होते हैं दुनिया में। जब इंसान इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आ जाए ना तो वो एब्सर्डिज्म उसको बोलते हैं। और इस तरह की शायरी जो इनकी शायरी ना उसके अंदर एब्सर्डिज्म का काफी नजर आता है। जैसे कि ये शेर आप देखते हैं,
ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਰਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਟੂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯੇ ਅਬਸਰਡਿਜ਼ਮ ਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਜਬ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਰੇਤੀ ਦੇਖੀ, ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਤੋ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਲਗਾ ਕਿ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੂਨ ਕਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਯੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਹਮਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਲਈ ਵੋ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਅਸਲ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਔਰ ਬੜਾ ਵੈਪਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। तो हर इंसान जो तरक्की हो रही है वो असल में अपनी तरक्की को खत्म करने के लिए तरक्की हो रही है, ठीक है। तो दुनिया के बीच रहने की कुछ करना पैदा है, अपने लहू दिया नहर अंदर आप ही तुरना पैदा, तरना पैदा, तरना मतलब ये अब पूरा देखे ना न्यूक्लियर पावर के ऊपर बात, अपने ही लहू दिया नहर अंदर आप ही तरना पैदा, मतलब जो न्यूक्लियर आपने चल बना लिया, पूरी दुनिया के पास न्यूक्लियर आपने टेक्नोलॉजी बना ली, अब क्या करेंगे? अमेरिका ने जापान पे फेंका, हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया पे फेंक दे, इंडिया पाकिस्तान पे फेंक दे, सब वापिस क्या हो गए, सारे वाइप आउट हो जाए। तो आपने खुद ही बनाया अपने लिए वो डिस्ट्रक्टिव वेपन और फिर आप बाद में खुद ही उसके अंदर गिर गए, ठीक है जी। अब ये उसके अंदर भी अशरफ मुगल इंसान दिया डंगरा वाली हरकतें जो है इसके अंदर उसने एक्सप्लेन की हुई है, आदम ने कोई जानवर सन रोटियां खाई जाते सन, रोला पाई जाते सन। अच्छा, ये कह लें कि इसके अंदर इतनी कोई ऑथेंटिक चीज नहीं एक्सप्लेन की गई, इसमें सिर्फ इंसान की कह लो कि ये देखे ना इसके अंदर उन्होंने एजाज ना एक लाइन लिखी हुई, तो ये इसके अंदर कोई ऐसे, लेकिन ये वाली जो बात है ये बड़ी कह लें कि काबिल सोच बात। अब जी इसके बाद हम करेंगे ये शायरी विच अबहाम एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि अभी इसमें से पढ़ लेते हैं, आपको बताते हैं, मुनीर नियाज़ी की शायरी विच इबहाम का पहलू नुमाया नजर आता है। इबहाम तो मुराद होता है कि असल गल नु सीधे साधे लफ्जों में बयान करने की बजाय गोल मोल करके बयान कर, ठीक है, मतलब डायरेक्ट उस बात को हिट ना करना, बल्कि या वो कहते हैं ना सुनानी तीनू कहनी नोनू, तो ये वही वाला हिसाब है कि डायरेक्ट उस बात को हिट नहीं करना, उसको डिफरेंट डिफरेंट घुमा फिरा के एक्सप्लेन करके इस तरह करना कि जो सुनने वाला है वो खुद उसको जाके समझे, वो जो है जो बताने वाला है वो उसको डायरेक्ट नहीं हिट करेगा। अच्छा जी, जंगल दफ्स उसके बाद आ जाते हैं जी, ये वाला शेर हम पढ़ लेते हैं। मुनीर नियाज़ी ने अभामी अंदाज विच इंसान दे शहर नू जंगल कब्रिस्तान ते गोरिस्तान दा नां दिता है, क्यों जे शहरां विच वसण वाले इंसान इंसानां दे रूप विच जानवर या वैशी दरिंदे ने, हसदे वसदे शहरां विच कब्रिस्तानां ते खाली दरगाह वहां वर्गी खामोशी है। अब ये कह लो कि शहर और गाँव के दरम्यान ना एक कंपेरिजन भी किया हुआ, कि जिसके अंदर शहरी जिंदगी जो है उसके अंदर आप ठीक है, आपको डेवलपमेंट काफी मिलती है, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफी मिलते हैं, आपको काफी चीजें मिलती हैं, लेकिन क्या होता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की कोई फिक्र नहीं होती, आपको नहीं पता होता, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, लेट अस सपोज बैरियर टाउन किसी पार्क में, किसी भी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता होता आपके साथ वाले घर में क्या होता है या आपके साथ वाले घर में रहता भी कौन, ठीक है। लेकिन गाँव में अगर आप देखेंगे ना, तो 1-2 किलोमीटर या पता नहीं 10-10 किलोमीटर के अंदर की रेडियस के अंदर भी ना लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, और ये भी इस तरह भी नहीं, बराए नाम के साथ और उनके रिश्तेदारों को, और ये सारा जो है ना प्रॉपर एक वो होता है वहां पर मेहमान नवाजी का सिस्टम होता है। अगर आप कह लो उनकी फूफी ताए के चाचे के बेटे के भाई के मासी के बेटे भी है ना, अगर आप उनके किसी के घर चले जाते तो वो आपको एक बिल्कुल वैसी ट्रीट करेंगे जैसे आप उनके सही मेहमान होते, ठीक है। सो ये चीज जो है ना वो शहर में आपको बिल्कुल नजर नहीं आती। तो इट्टा ये उसमें एक्सप्लेन करें, इट्टा दा एक उच्चा टब्बा बंद मकाना वर्गा, कितने कितने कोई दीवा बंदा गोरस्ताना वर्गा, कितने कितने कहीं कहीं गोरस्तान, गोरस्तान होता है क्रिश्चियनों का कब्रस्तान, ठीक है। वो कहते हैं इट्टा दा एक उच्चा टब्बा बंद मकाना वर्गा, वो कहते हैं ईंटों के मकान है, एक उच्चा सा टब्बा सा बना दिया। अच्छा, ये तब भी है कि जब फ्लैट्स वगैरह बनने शुरू हुए थे और एक बड़े बड़े जो है ना घर बनना शुरू हुए थे, तब की बात। तो वो कहते हैं एक ऊंचा सा ईंटों का एक वो डब्बा से मुराद कह लो कि मेरे जहन में वो वर्ड नहीं आ रहा, कि जिसके मलबा कह ले, डब्बा से मतलब मलबा ले लेना, ठीक है, बंद मकाना वर्ग और बिल्कुल बंद जो है ना घर यहाँ पर बनाए हैं। आपको पता है गाँव वगैरह में बड़ी जमीनें होती है, यहाँ पर तो आप 6 मरले की जमीन लेने के लिए आपको पूरी जिंदगी लग जाती है, तो यहाँ पर वहां पर आपको पता है किले किले जितने की यहाँ पर आप 6 मरले जमीन लेते हैं वहां पर आपको एक किला पूरा मिल जाता है। तो वहां पर बड़े बड़े घर होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे घर, तो बंद बंद घर यहाँ पर है, और कितने कितने कोई दीवा बंदा, कहीं कहीं कोई रोशनी जल रही है और बाकी सारे गोरस्तान, इसका मतलब है कहीं कहीं
किसी को कोई एहसास नहीं, ये अलामती निज़ाम है कि कहीं कहीं किसी को किसी का एहसास है और किसी के अंदर दूसरों के लिए कह रहे हैं मोहब्बत और ये एहसास जज्बात है, नहीं तो बाकी सारे जो कब्रिस्तान ही बसते, ठीक है, जहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता, सिर्फ कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक शहर की सकाफत को कह लें थोड़ा सा बचा के रखा हुआ है, और वो भी वो है शायद जो गाँव से इधर उधर के शहर गए और उनको इस चीज़ उनके खून के अंदर शामिल, नहीं तो जो शहरी लोग हैं उनको तो बिल्कुल कह लें इसको होता ही नहीं है इसका। अच्छा जी, इस हेडिंग को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो शेर है ना वो काफी टफ है और वो आपको याद करने में मुश्किल होगी, तो मैंने क्योंकि 7-8 शेर याद करने इसके अंदर काफी ज्यादा हेडिंग दी हुई है, तो हम हेडिंग भी कह लो इसके अंदर 11 हेडिंग्स दी हुई है, हमने 7 से 8 हेडिंग सिर्फ कह ली, तो कुछ हेडिंग्स को हम छोड़ना भी पड़ेगा, सारी नहीं पड़ेगा। चलिए, इकलापा, इकलापा है लोनलीनेस, ठीक है, अब ये जो चीज है ना ये भी कह लो शहर के अंदर बड़ी एग्जिस्ट करती है, गाँव के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती लोनलीनेस, शहर के अंदर आप एक पूरे भरे हुए लोगों के हजूम के अंदर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ठीक है, इसके लिए एक शेर है जिसके अंदर ये कहता है, यार मेरे भला कौन ने इतने बहर जमीन पहाड़, कहता है मेरे इधर कौन दोस्त है सिवाय बहर जमीन और पहाड़ के, असा कितने असा किसे दिन सारे मिलके करांगे उजलगार, साढ़े ही वर्गा चुप आसमां भी जाएगा साथों हार, वांग उड़दा फिरेगा दियांगे दियांगे ऐसी वाज, ला के रख दियांगे उस दी सरदारी दा ताज। अब इसके अंदर ये इसके अंदर भी ऊपर भी इसने भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखे अंदर इंसाना दे हजूम ते जंगल विच रहन दे बावजूद तनहा है, ठीक है, यही बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कही थी, तो इस पूरी एहसास वाली बात को एक्सप्लेन किया हुआ कि ये यार मतलब इधर मेरे कोई दोस्त यार है ही नहीं असल में, वो अभी जैसे पहले उन्होंने सांप वाली बात की थी ना, तो ये वही कह लो कि अगर दोस्त हैं भी तो सिर्फ दिखावे, शहरी शहरों में आपको बड़ी ऐसी चीज मिलेगी कि जिसके अंदर आपको दो कुछ दोस्त होंगे लेकिन वो दिखावे के दोस्त होंगे, तो हम इसकी पहले दो वर्ड सिर्फ कर ले, पहले दो लाइनें कर लेते हैं, बाकी जो है वो हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर पूरी बात एक्सप्लेन होगी, यार मेरे भला कौन है थे ये बात मैंने एक्सप्लेन की, ऐसा किसी दिन सारे मिलकर करांगे जिंदा, कहते हैं किसी दिन हम सारे मिलकर वो जंग करेंगे इस लोनलीनेस के खिलाफ के जो ये जो एहसास से आ रही लोग हैं ना और इस तरह के जो सारे लोग हैं मशीनी लोग जो हैं वो सारे उनको हम खत्म कर देंगे, ठीक है, उनसे सरदारी छीन लेंगे और इस दुनिया से फिर इस चीज़ की सरदारी खत्म हो जाएगी कि जिसके अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो कि दूसरों का ख्याल नहीं रखते। नरगसियत पसंदी भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैं यकीनन एक और वीडियो भी बनाऊंगी, नरगसियत पसंदी क्या होती है, नरगसियत पसंदी उस शख्स नू आख्या जाता है जेड़े अपने आप से आशिक हो गए थे, अपने आप नू हर पे कुल समझ, ये है अपने आप से अखीरी किस्म की मोहब्बत करना, इसके अंदर वो शायद आपने एक वीडियो भी सुनी, वो कहता है आई उसको कोई अवार्ड मिला था किसी बंदे को और वो स्टेज पे कह रहा था आई थैंक मी फॉर बीइंग सो डिटरमिंड, आई थैंक मी फॉर बीइंग सो कंस्ट्रक्टिव, आई थैंक मी फॉर बीइंग सो क्रिएटिव, तो ये वही बात है कि ऑलवेज थैंक योर सेल्फ कि यार तुम कितने अच्छे हो, सो यही बात है जैसे शेर के अंदर आप देखेंगे, चावा देते में बंद कर दिया मैं ऐ तमाशा दुनिया दे, अपने आप को एक बड़ा फन्ने खां समझना, चावे दे अगर मैं चाहूँ तो मैं इस दुनिया का तमाशा बंद कर दूँ, हथ हथ का एक इशारा करके अपने हाथ का एक इशारा करके खोला हुआ हादसा दुनिया दा, पूरी दुनिया का हादसा खत्म कर दूँ, मतलब अपनी शायरी पर इतना नाज है उन्हें कि अगर मैं गम वाली शायरी लिखने लगूँ तो लोग रोने लग जाएंगे, पर मैं ते जे अजय अंत नहीं वेख्या, पर मैंने इसका भी अंत नहीं देखा, होने दे डूंगे राजा दा, कहता है होन दे ढूंगे राजा था, इसका मतलब है कहता है अभी क्यों के मैंने इसका अंत नहीं देखा इस दुनिया का और मुझे काफी नई चीजें देखने को मिल रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये दुनिया चलती रहे, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकता हूँ, तो ये कह ले ये तो एक्सट्रीम किस्म की नरगसियत पसंद है। अच्छा ये इसको छोड़ दें, ये बहुत लंबी नजर है, इसको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, ये आगे हमने ये वाली हेडिंग भी कंप्लीट कर ली है, तो बाकी शहर पढ़ने की जरूरत नहीं है हमने, क्योंकि डायरेक्शनल करना है अपने इंटरेस्ट के लिए, अगर आपने पढ़ना है तो ये चैनल ना कह ले उस हिसाब से इतना बेहतर नहीं है, ये डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम्स को हिट कर रहा है। अब जी रोमानियत, रोमानियत अब वही आ गई जी, रोमांस इश्क मुजाजी जिसके अंदर कह लो के आप अपने महबूब की खूबसूरती को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या उसे वसल के मिलने की बात कर रहे होते हैं,
सो जी, ये मुखड़ा खुल गुलाब दा, ये एक शेर उसने लिखा है, ते चानन वर्गी अख बदल चीत दा, तो साख दा एस कुड़ी दा लख। मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूँ, उसने वैसे ही इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, शायर नहीं कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चानन वर्गी का मुझे मैं वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। चानन वर्गी का मतलब चांद जैसी, और बदल चीत तो साख दा मतलब जो बारीक सफेद बादल होता है ना, ठीक है, बदल तो क्या होता है बादल, चीतो साख दा, चीतो साख दा मतलब बारीक बादल और सफेद बादल, ऐस कुड़ी दा लग, उस लड़की का जो है वो टांग है जो कि काफी पतली है, ठीक है, सो काफी फेल कर रही है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, हम दिया अभी उन्होंने बाद लिखे, अब मुझे समझ नहीं आती है, दो एडिंग भी इकट्ठे लिखने की जरूरत है, सात इश्क के मिजाजी, सात इश्क, ये सारे काम करने के बाद हम इंशाल्लाह हम पढ़ लेते हैं। चाहे अच्छा जी, ये जिसके अंदर हम तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत उदास जदों में होवा सुख दा संदेशा, जब मैं बहुत उदास हो जाता हूँ तो सुख मेरा मेरे अल्लाह की तरफ से आता है, मुश्किलों भी जदों थक जावा कुछ गायब वालों हो जाता है, और जब मैं बहुत मुश्किलों से थक जाता हूँ तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाता है। आप इसके अंदर फाइनेंशियल मुश्किलें भी बात कर सकते हैं, इसके अंदर आप गम वगैरह की बात भी कर सकते हैं, इसके अंदर आपको जो दुनिया की मुश्किलें कोई और आ रही है उन सारी मुश्किलों की, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मुश्किल की बात नहीं, बस ये बताना चाह रहा हूँ। ये शेर हो गया, उसके बाद ये वाली हेडिंग भी हमारी कवर होगी दो, क्योंकि एक शेर हमने इसमें से कर लिया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर ली, हमारे पास मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स पढ़ ली, तो अब जो है इसको यहीं पर ख़त्म करते आज के लेक्चर को, काफ़ी हो गया, ज़बानो बयान वाली जो हेडिंग है ना वो लाजमी करें। अब जब आप, मैंने आपको पिछली में हर लेक्चर में बात करता हूँ कि जब आप जबान, जब आप सारे शेर याद कर लेते हैं ना, जितने शेर हमने 8 9 जितने भी पढ़े, अगर आप वो सारे शेर याद कर ले तो आप ज़बानो बयान खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसकी क्या क्या उसके अंदर। अब देखिए, अलामती निज़ाम है, ये बात हम लिख दें, अब्सर्डिज्म का निज़ाम है ये भी लिख दें, लोनलीनेस को भी एक्सप्लेन किया, ये सारी बातें लिख दें, फिर उसके बाद उनकी शायरी में लिखने के तरीके कैसे जी, ओना लफ्जी बाजीगिरी करन दी था आसान ते आम अल्फाज वरत के, अच्छा ये वाली बात ना हर किसी में मौजूद, ठीक है ना, ये जनरल बात है कि हर बंदे ने आसान अल्फाज में लिखने की जरूरत की है, किसी ने भी, हर बंदे ने अपनी जुबान के अंदर। अब जैसे एक पोटवारी शायर के बीच में है जदीद शायरी में, तो उन्होंने अपनी शायरी के मुताबिक आसान अल्फाज में लिखने की कोशिश की, ठीक है जी। उसके बाद मुग्धी गल आ गई, ये भी आपने खुद ही लिखना, ये वाला बुक वाला बिल्कुल ही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर ने ये बुक्स पढ़ी होती, आपने सारा कुछ जो है वो अपने से एक्सप्लेन करना, इवन की जो ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन भी है ये सारी खुद लिखे, इसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शेर याद करना, और वो मैंने आपको काफी ज्यादा पढ़ा था, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर अब यहीं पर खत्म करते, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें ना करें।